तो लेडीज एंड जेंटमैन वेरी वाम वेलकम टू नाइनटीथ मॉड्यूल ऑफ लेसन सेवन हेर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ रिस्क एंड अनसरटैनिटी अब तक मैंने आपको बार बार आ, इसको तकरीबन बेशुमार दफा हमने रिस्क और अनसर्टेनिटी के रिलेशन को देखा है मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चीज़ों को रिलेशन और को रिलेशन के अंदर देखना शुरू करें जब तक चीज का रिलेशन डिवेलप हो जाएगा दैट इज नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट जब तक उसकी कोर रिलेशनिंग डेवलप नहीं होगी उसका रिलेशन हमें क्लियर समझ में नहीं आएगा मैं थेरेटिकल बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आपने हाइपोथेसिस बनाया और हाइपोथेसिस का जो है वो आपका जो थीसिस एंटी थीसिस के साथ रिलेशन डेवलप नहीं हो रहा सो so इसका मतलब है कुछ अरसे के बाद वो नलीफाई हो जाएगी मसा आपको उस जमाने में एक अरसे के तक मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि जो फ चीज थी एक वक्त के लिए आ, मतलब ठीक है आ, दस साल बाद उसका वजूद ही खत्म हो जाता है तो मेरा हाइपोथेसिस खत्म हो गया फॉर एग्जाम्पल मैंने पी एच डी एक सब्जेक्ट में ऐसे कर रखी है जिसके अंदर मैं ये कहता हूँ और मैं ये साबित करता हूँ कि फलां चीज़ की फॉर एग्जाम्पल मैं साइंस की दुनिया से बात करता हूँ कि ग्रेविटी के ऊपर कोई बात होती है लेकिन अगले दस साल बाद पता चलता है कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी अच्छा फिर पता चलता है कि ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो वैलिडेट नहीं करता एग्जाम्पल दे रहा हूं सो so, इसका मतलब है कि मेरी वैलिडिटी आगे तक नहीं रहेगी यही याद रखें कि चीज़ों की रिलेशन और कोर रिलेशन को आपको बनाकर रखना है यही काम आप आंटरप्रन्यरशिप के अंदर करते हैं कई लोगों को जब आंटरप्रनशिप समझ नहीं आती और जब भी मैंने भी पीएचडी की तो उसके अंदर मैं मुझे आ, मेरे सुपरवाइजर्स ने ये कहा कि इसके थेरेटिकल रिलेशनिंग डेवलप करें यानी आपने एक मॉडल तो बना लिया मॉडल के अंदर आपने मैथमेटिकल रिलेशनिंग भी कर दी लेकिन इसका रिलेशन लगाना बड़ा जरूरी है मैंने कहा जी वो कैसे उन्होंने कहा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बिहेवियरल इंटेंशनल और मजीद वेरिएबल्स मैंने कहा मजीद में क्या होगा उन्होंने कहा सोसाइटी सोसाइटी एज अ होल और सोसाइटी के अंदर मैं जाऊंगा तो सिर्फ मेरा दिमाग या मेरी साइंस नहीं चलेगी या फॉर एग्जाम्पल मैं एक चाइनीज सोसाइटी में रहता हूँ लेकिन जब एंटरप्रनोरियल इन्वा के अंदर आऊंगा तो बहुत सी और नेशनैलिटीज भी आ जाएंगी फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऐसी मंडी में चला गया हूं तो वहां पर मोरकंस भी हैं मिड मिडल ईस्टर्नस भी हैं अरेबियंस भी हैं अरेबियन पेंसिला से भी हैं यूरोपियन भी हैं तो मार्केट मिक्स एंड मैच में आ जाएगी तो ब्रेन भी चेंज होगा और जब ब्रेन चेंज होगा तो आइडियाज चेंज होंगे आइडियाज चेंज होंगे तो आपकी जो है वो मार्केट डिफरेंट हो जाएगी अच्छा इससे क्या फर्क पड़ता है साइकोलॉजिकल पैटर्न से आपकी supply and demand में भी फर्क पड़ता है। अच्छा ये कुछ अरसे होगा और मुमकिन है आपको पांच दस साल बाद दोबारा इसको सुने तो कहेंगे जी psychological pattern से कैसे चेंज होता है भाई लेन देन का असूल चेंज हो जाता है मसलन आपने आजकल के जमाने में देखा होगा कि मजदूर दिहाड़ीदार मजदूर के पैसे दबा कर रखा जाते हैं मसलन आ, एक तरीकाकार है यानी पर्सनल मेरा तरीका कार जरा और है। मैंने एक दो दफा ये ट्राई किया और हर जगह में ये कामयाब रहा कि मैं चीज़ों को पहले पे कर देता अच्छा लेकिन आमतौर पर नाइनटी नाइन परसेंट बात इनवैलिड है अगर आप जिस आदमी का भी कहते हैं चाहे वो खाडी हो चाहे वो आपकी फॉर एग्जांपल आपने एम्ब्रॉयडरी का यूनिट लगाया वो या किसी भी चीज का आपने ग्लास मोल्डिंग का या किसी भी चीज का अगर दिहाड़ीदार मजदूर के अगर आपने पैसे दबाए नहीं है दबाने से मुराद यानी आपको काम खत्म होने के बाद उसे पे करें और पूरे भी पे ना करें अगले दिन के ऊपर उसके कुछ छोड़े तब तक वो आएगा लेकिन मजदूर का आम तौर पे एटीट्यूड जो आमतौर पर समझा जाता है और उसको सेट स्टैंडर्ड बना दिया गया कि उसको जिस दिन पैसे पे किए उसके बाद वो गायब हो जाएगा और जब तक वो पूरी सैलरी उड़ा कर नहीं आएगा और बिल्कुल दोबारा से फाका का शो होकर नहीं आता तब तक वो दोबारा से आपके पास वापस नहीं आने लगा सो ये भी एक मैंने जैसे बताया के रिस्क के अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन वेरिएबल वेरिएबल है है ये भी मजदूर को किस तरह से देना है पेमेंट है पेमेंट क्राइटेरिया क्या ऑपरेशन मैनेजमेंट कैसे करनी है ऑपरेशन कॉस्ट को मैनेज कैसे करना है आपने उसके जो आ, उसके रेजिडेंस और बाकी सारी चीजें किस तरीके से मैनेज करनी है एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारा एक एम्ब्रॉयडरी यूनिट था उसके अंदर इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो मजदूर रखे जाएंगे तो वो कहां से रखे जाएंगे जो लेबर काम कर रखी जाएगी उनका राजनपुर से रखें या रहीम यार खान से रखें तो ये लोग जो हैं वो कम से कम तकरीबन तीन माह के लिए आते हैं फिर वहीं रहते हैं और प्रेमस से बाहर भी नहीं जाते आप ये समझेंगे कि कितने अजीब व गरीब सी बात है और ह्यूमन राइट्स के ऊपर बातें होना शुरू हो जाएंगी लेकिन भाई ये प्रॉब्लम है अगर यहाँ के मजदूर को पूरी मजदूरी दें और अगर आप बाकी चीज़ें करें तो आपको समझ नहीं आती कि अगले दिन वो आएगा या नहीं आएगा या काम अधूरा छोड़ जाएगा उसकी बला से सो हर अलग अलग मैटर से डिफरेंट हो जाता है अब हम हम देखते देखते हैं हैं कि रिस्क और अनसर्टेनिटी के बिहेवियर्स के मुख्तलिफ बिहेवियर्स अंदर हम देखते हैं। एक तो ये जिस तरह मैंने ये अर्ज की इसको मैर नहीं कर सकते बाजुकात किसी के साथ अच्छा हो सकता है किसी के साथ बुरा हो सकता है मैंने एक ऑर्गेनिक सिस्टम जहां जहां पर भी डिजाइन किया वहां पर मैंने जो लोगों को हायर किया या रिक्रूट किया या जिस तरह के भी मैंने किए वो आमतौर पर मयरेबल रिस्क जो थे वो मेरे लिए अनमयरेबल थे तो वेरी करता है यह अंटेपर टू अंटेपर कि मेरे लिए लोग कैसे बिहेव करेंगे अगर मेरे अंदर लीडरशिप करजमा है तो मेरे लिए बिहेवियर लोगों का और होगा ऑडियंस का और होगा एम्प्लॉयज का और होगा मेरे लोगों का और होगा सो so, हमने यहां पर तकसीम यू की कि एक मयरेबल रिस्क है एक अन रिस्क इसको मैरेबल भी कह सकते हैं अगर आपको अच्छी अंग्रेजी बोलने का शौक है तो जरूर कोशिश कीजिए एंड आई रिकमेंड यू कि आप अच्छी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते रहा करें इसका बेस्ट तरीका ये कि आप किसी गोरे को जो है कंसल्ट करें डू द गूगल एंड इसको कहते हैं आई एम गूगलिंग समथिंग तो गूगल जरूर कीजिए सो फॉर एग्जाम्पल लास्ट एक जगह के ऊपर था कि आपको कफ हो रहा है ये कॉफ हो रहा है सो so, कफ और कॉफ के ऊपर भी आपकी डिस्कशंस हो सकती हैं लेकिन अपने जो प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं प्रोनाउंसिएशन सो so, इसी तरीके से मैयर और मैरेबल तो आप दोनों कहें लेकिन बेहतर है कि आप अच्छी अंग्रेजी का जो एक्सेंट है वो अडॉप्ट करें सो so, रेस्क के अंदर हम देखते हैं कि मैयरेबल या अन दो तरह के होते हैं सो अकॉर्डिंग टू नाइट साहब वो कहते हैं कि रिस्क रेफर टू अ सिचुएशन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम

बड़ा वही है जिसके लिए रिस्क और आने वाला वक्त को मैनेज करना असल है और रिस्क अनसर्टन रिस्क को मिटिगेट uh, करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लास्टली वो ये कहते हैं कि अनसर्टेनिटी इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटकम इन द ग्रुप विच इज नॉट नोन विच इज नॉट नोन सो मैंने अगेन इसको कैप्सुलेट करता हूं इन टर्म्स के ऊपर कि इज द रिस्क अनोन फॉर द एंटरप्रन्योर और एंटरप्रेन्योर के लिए हर नया एलिमेंट एक्सप्लोर करना आंटरप्रन्यशिप है थैंक यू वेरी मच